हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात। तो इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि औपनिवेशिकवाद शासन का अर्थ उन लोगों के लिए स्पेशली क्या था जो आज भी कहते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे एक बंगाल की घटना, बंगाल और वहाँ के जमींदार। तो बंगाल में ही सबसे पहले औपनिवेशिक शासन को स्थापित किया गया था, इसीलिए हम सबसे पहले बंगाल को पढ़ रहे हैं, जहां पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों को एक नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए ही ये सारे प्रयत्न किए जा रहे थे। वर्तमान में क्या होता है आइए जानते हैं। सबसे पहले बर्दवान चलते हैं। सन 1797 में बर्दवान, जिसे आज में वर्धमान कहते हैं, एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। बर्दवान के राजा द्वारा धारित अनेक महल और भू संपदाएँ बेचे जा रहे थे। सन 1793 में इस्त मरारी बंदोबस्त लागू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी, जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी ही होती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना उस टाइम पे ये कह दिया था कि सबके लिए एक राशि हमने निश्चित कर दी है और सबको ये देनी ही है, चाहे आप कैसे भी दो। अगर आपके पास ज़मीन है तो आपको इतनी राजस्व कर के रूप में आपको देना ही होगा। और जो नहीं चुका पाते थे, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती थी, उनको नीलाम कर दिया जाता था। नीलामी में बोली लगने के लिए अनेक खरीदार आते थे तथा फिर चेक किया गया तो 90% से जो अधिक बिक्रियां थी वो फर्जी होती थी। मतलब अपने ही लोगों के बहुत सारी ज़मीनें हड़पने के लिए ऐसा कार्य करते थे। अदा न किए गए राजस्व की समस्या भी अलग से थी। क्यों, आखिर क्या कारण था कि लोग राजस्व अदा नहीं कर पाते थे? तो कारण बहुत सारे थे। पहला तो ज़मीनें ऐसी कोई बहुत वो संपदाएँ नहीं थी, बहुत उतनी अच्छी खेतियाँ नहीं होती थी कि सब लोग एक समान कर दे सकें। ऊपर से किसी की ज़मीन कम है ज़्यादा है, अब सबको एक बराबर एक नाप की ज़मीन तो थी नहीं कि मान लीजिए अगर आपके पास 3 बीघे ज़मीन है तो आप पर यदि हमने 50,000 कर लगाया तो जिसके पास 3 बिस्सा है उससे भी हम 50,000 ही ले रहे हैं, तो भला वो किस तरीके से चुकाएगा? ठीक है, जिसके पास 3 बीघे हैं वो तो चुका ही देगा, लेकिन जिसके पास 3 बिस्सा है वो कैसे चुकाएगा? उसका तो लॉस होगा ना, तो उसे तो ऑब्वियसली बात नाम होगी ही। और ऊपर से इन्होंने क्या किया था ना कि जितने ज़मींदार हैं, चाहे उनकी खेती कितनी भी होती हो और यदि खेती मौसम की वजह से ख़राब भी हो जाए तो भी इन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आपको उतना कर देना है, मतलब कि देना है। तो कुछ ऐसे रूल्स थे जिनके कारण कर अच्छे से नहीं जमा हो पाता था। आप जब भी चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आप समझेंगे। एक एक लाइन हम रीड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ एक एक लाइन रीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम आपको समझ के फिर समझा रहे हैं। तो आई होप आपको ये सही लग रहा होगा मेथड। आप इससे ना एक एक लाइन रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी एक मेंटल बेस को काफ़ी अच्छे से बिल्ड करेगा कि उस टाइम में क्या था। तो इसके लिए ना आपको इसकी एक एक लाइन को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डोंट स्कीप, एक भी लाइन इसका स्कीप मत कीजिएगा और उसे अच्छे से पढ़िएगा। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे? कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित भी होंगे। किंतु इस मरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर खोदाही करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की बकाया रकमें भी बढ़ती जा रही थीं। जमींदारों की असफलता के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कारण बताया कि मांगें बहुत ऊँची थीं इत्यादि इत्यादि। तो आगे चलते हैं। जोधतारों का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक और अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समुदायों में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। अब इनकी स्थितियां मजबूत कैसे हो रही थी? जैसा कि हमने बताया कि एक समान ही कर था, ठीक है। तो मान लीजिए यदि किसी के पास 10-20 बीघे ज़मीन है और वो भी 5,000 कर दे रहा है,
तो उसके लिए क्या ही, मतलब उसके लिए कोई नुकसान की बात तो है नहीं बिल्कुल भी इसमें। उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि कम कर लग रहा है ना, जिसका ज़मीन कम है उसे न कर की टेंशन होगी। तो फिर जो कुछ किसान थे उन लोगों का तो काफ़ी अच्छे से लाइफ जा रही थी, धनी किसानों की। धनी किसानों के इस वर्ग का जिन्हें जूद तार कहा जाता है विशद विवरण देखने को भी मिलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जूद तारों ने ज़मीन के कई बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हज़ार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए। अब क्या होता था ना कि सारे छोटे किसान जब उग जाएंगे, हर छोटा किसान अपने एक बिस्सा ज़मीन में 5,000 कर दे रहा है, तो वो एक पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होता था और सोचता था कि क्यों ना हम अपनी पूरी की पूरी ज़मीन उन्हें दे दें। अगर हम पूरी ज़मीन उन्हें सौंप देते हैं तो क्या होगा कि उनकी ज़मीन पहले से ही है, वो थोड़ी और बढ़ जाएगी, ठीक है, थोड़ी और बढ़ जाएगी और कर तो उतना ही लगेगा, तो क्या होगा कि उससे जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम आपस में बांट लेंगे। तो प्रॉफिट तो कम ही एक्सचेंज होता था, मतलब जिसे ये लोग देते थे, बट कहीं ना कहीं जो बड़े ज़मींदार थे उनका तो फ़ायदा हो रहा था ना, उनके उनके कब्ज़े में काफ़ी सारी ज़मीनें आती जा रही थी, तो ये उनके लिए एक प्रॉफिट की बात हो रही थी। गाँव में जोतादारों को शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतादार गांव में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जो जोतादार होते थे वो गांव में ही रहते थे, ठीक है, और जो जमींदार होते थे उनमें से कुछ जो बड़े जमींदार थे वो शहर में चले जाते थे। आगे चलते हैं। ज़मींदारों को नीलाम किया जाता तो अफसर जोतदार ही उन ज़मीनों को खरीद लिया करते थे। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों में देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ स्थानों पर गाटीदार या मंडल कहलाते थे। आगे चलते हैं। ज़मींदारों की ओर से प्रतिरोध। किंतु उस ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन सब दबावों से उबरने के रास्ते निकाल लिए। नए संदर्भों में नई रणनीतियां बना ली गईं। फर्जी बिक्री एक ऐसी ही तरकीब थी, इनमें से कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। बर्दवान के राजा ने पहले तो अपने जमींदारों का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों को संपत्ति से अलग नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। फिर दूसरे कदम के तौर पर उनके एजेंटों ने नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया। कंपनी की राजस्व मांग को जानबूझकर रोक लिया गया और भुगतान न की गई बकाया राशि बढ़ती गई। जब भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर, तो आगे चल के उन्होंने खरीद राशि अदा करने से इनकार कर दिया, इसलिए उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा। तो कई सारी अड़चनें भी इन चीज़ों में आईं। लेकिन अगर पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी में से कौन सी चीज़ है, स्पेशली एट द बर्दवान टाइम पे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो काफ़ी अच्छी थी, किसकी स्थिति यहाँ पर ठीक मानी जाती थी, तो ये था स्त्रियों की। मतलब एक वुमेन राइट यहाँ पे काफ़ी सही था कि स्त्रियों से उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं छीनी जाएंगी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, अगर कभी पूछा गया कि उस टाइम पे कोई एक ऐसी चीज़ें जो कि अच्छी थी, या फिर अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे ही नोट्स लिखने को आता है, तो आप इस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हैं कि ईस्ट इंडिया टाइम में भी ऐसा नहीं था, परंतु उसके बाद कुछ कुरीतियों के कारण ये बदलाव आ गए। और उसके बाद अभी भी सरकार कोशिश, मतलब अभी फिर से उन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने लगा है लॉ के तहत, सो ये चेंज है। तो आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, पिन करके लिख सकते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। तो ये चैप्टर हम कल फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैप्टर का एक एक लाइन अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।